एक और ब्राह्मण नेता पर टेढ़ी हो गई निगाहें। अंबेडकर नगर के पूर्व विधायक पवन पांडे को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। ब्राह्मण समाज का चढ़ गया पारा। जमीन मामले में एसटीएफ ने शेर ए यूपी पवन पांडे को किया अरेस्ट। लोगों ने खोल दिया मोर्चा। अब खैर नहीं, राम मंदिर आंदोलन के नायक पवन पांडे की गिरफ्तारी से ब्राह्मण समाज में नाराजगी। दे डाली बड़ी चुनौती। अंबेडकर नगर से आई एक खबर ने उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज को गुस्से से भर दिया है। यही नहीं, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग भी बुरी तरह से बौखला गए हैं। वजह है अपनी बेबाक छवि के लिए जाने जाने वाले पवन पांडे की गिरफ्तारी, जिन्हें यूपी एसटीएफ ने जमीन हड़पने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। धोखाधड़ी कर जमीन कब्जाने के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक के भाई को भी पकड़ा है। पवन पांडे शिवसेना की टिकट पर विधायक रह चुके हैं। यूपी एसटीएफ ने शुक्रवार को अंबेडकर नगर जिले के पूर्व विधायक पवन पांडे को बाराबंकी जिले के रामसनेही घाट थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ के अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने बताया कि पवन पांडे को अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय के अकबरपुर कोतवाली में धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेराफेरी और साजिश के तहत पिछले साल दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया। पवन पांडे के भाई राकेश पांडे जलालपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक और भतीजा रितेश पांडे बहुजन समाज पार्टी से अंबेडकर नगर से सांसद हैं। इस तरह वो दमदार राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। बताया गया कि धोखाधड़ी से जमीन कब्जाने के मामले की आरोपी नीतू सिंह और एक अन्य की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जमानत याचिकाएं दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए 19 मई 2023 को इस मामले की विवेचना एसटीएफ से कराए जाने का आदेश पारित किया, जिसके बाद इस मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। एसटीएफ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक पवन पांडे का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर बाराबंकी जिले के रामसनेही थाना क्षेत्र के विट्रिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। पवन पांडे कैसे कम वक्त में बन गए सबसे दमदार शख्सियत। पवन पांडे ने साल 1991 के यूपी चुनाव में केवल एक बार ही जीत दर्ज कर पाए। हालांकि उसके बाद वो कई बार चुनाव लड़े, लेकिन जीत नसीब नहीं। पवन पांडे के छोटे भाई कृष्ण कुमार पांडे उर्फ कक्कू पांडे ने बसपा की टिकट पर सुल्तानपुर के सौली सीट से चुनाव लड़ा था। वहीं यूपी चुनाव 2022 में उनके बेटे प्रतीक पांडे ने कटेहरी सीट से बसपा उम्मीदवार के तौर पर दावेदारी पेश की। हिंदुत्व छवि की राजनीति के बावजूद क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ के कारण पवन पांडे के परिवार को सपा बसपा जैसे दलों ने भी तरजीह दी। स्पेशल डेस्क सैम टीवी। सब्सक्राइब करें सैम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।